रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आरएसी बटालियन, आरआईएसएफ और जेल प्रहरी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों का किसी भी रूप में सपना है वर्दी पहनने का और 10th या 12th पास एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सारी वैकेंसीज के बारे में कुछ कॉमन चीजें मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके, जिससे आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वैकेंसियां लगातार निकल रही है, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड की है, चाहे वो सीईटी के आधार पे है, चाहे वो आरपीएससी की कोई वैकेंसी है, और उसी क्रम में वर्दी वाली जो जॉब्स हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आरएसी, आरआईएसएफ या जेल प्रहरी, इन सब की प्रक्रिया भी लगातार तेज चल रही है और लगातार कोई ना कोई लेटर हमें देखने को मिल रहा है। एक इसी तरह का लेटर आरआईएसएफ और आरएसी बटालियंस का भी अभी मिला है, जिसमें आरआईएसएफ को आरएसी के अंतर्गत ही करने का प्लान किया जा रहा है। जिस तरह से आरएसी की बटालियंस का अलग अलग काम होता है, उसी तरह से आरआईएसएफ को भी एक आरएसी की बटालियन की तरह से ही तैयार करने के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। उसी तरह से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो 3500 पोस्ट के लिए है, उसका भी पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब इसमें बिना सीईटी के कौन कौन सी परीक्षा दे सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या ये सीईटी वाली है कि जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, कट ऑफ का आइडिया नहीं मिल रहा है कि कितनी कट ऑफ सीईटी की रहेगी, या जिन्होंने सीईटी दिया नहीं था, तो उन बच्चों के लिए बिना सीईटी के जो एग्जाम्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट आरएसी, आरआईएसएफ और जेल प्रहरी, ये तीन वैकेंसी हैं जो आपको बिना सीईटी के देने का मौका मिल सकता है। सब इंस्पेक्टर है, एएसआई है, ये वैकेंसियां भी सीईटी से बाहर हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी है, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो भी आने वाली है 1 सितंबर को, तो इन वैकेंसियों की तैयारी भी आप साथ कर सकते हो। सिर्फ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो जिला पुलिस वाली भर्ती होती है वो सिर्फ सीईटी से ली जाएगी, बाकी सारी वैकेंसियां ये बाहर रहेंगी, तो इनके लिए आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। इसके बाद आरएसी भर्ती में फिजिकल पहले होगा या लिखित होगा, तो देखिए जो जिला पुलिस वाली भर्ती है, जो 12वीं पास आधार पे जो होनी होती है, उस भर्ती के अंदर पहले फिजिकल कराया जा रहा है, बट उससे पहले उसका रिटर्न एग्जाम एक तरह से सीईटी वाला करवा दिया गया, क्योंकि फिजिकल होता है वो लिमिटेड लोगों का करवाया जा सकता है। जब फॉर्म अगर इसके लिए अप्लाई कराए जाएंगे, चाहे आरएसी के लिए हो, चाहे जेल प्रहरी के लिए हो, चाहे आरआईएसएफ के लिए हो, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, तो उसमें 1,00,000 बच्चों के अगर आवेदन आते हैं, उस कंडीशन में उनका फिजिकल कराया जाना मुश्किल होता है। और जो जिला पुलिस है उसके लिए सीईटी का एग्जाम पहले हो चुका है, उसी एग्जाम की कट ऑफ के आधार पे 53,000 लोगों को सिर्फ शामिल होने का मौका मिलेगा, तो इतने लोगों का फिजिकल करवाया जा सकता है और इसीलिए पहले उनका फिजिकल करवाया जा रहा है। हमें लगता है पहले फिजिकल करवाया जा रहा है, लेकिन नहीं, उनका रिटर्न पहले सीईटी के तौर पर हो चुका है, तो अब उनको सिर्फ फिजिकल में क्वालिफाई करना और उसके बाद में आगे वाला एग्जाम फिर एक छोटा सा और होगा, वो सेम वही पुलिस वाला जो सिलेबस है उसके आधार पे हो सकता है। तो इसलिए आरएसी के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें फिजिकल होगा या रिटर्न होगा, तो इसके अंदर ये 10th पास के लिए भर्ती होगी आरएसी की जो होती है, और उसी में आरआईएसएफ को भी शामिल किया जा रहा है साथ में, तो ये दोनों भर्तियों के लिए आपका पहले रिटर्न एग्जाम करवाना पड़ेगा, ये मजबूरी है। इसमें फिजिकल पहले नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि फिजिकल के लिए लाखों बच्चों का नहीं हो सकता, तो आपको आरएसी और आरआईएसएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इनमें पहले रिटर्न एग्जाम ही होगा, फिजिकल पहले नहीं होगा। इसके बाद कौन सी वैकेंसी के कितने पद हो सकते हैं, और मैं एक चीज आपको फिर बता देता हूं कि पद चाहे कितने भी हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हो, अगर आपकी अच्छी तैयारी है, तैयारी पे अगर आपको विश्वास है, तो एक पद होगा वो भी आपके लिए होगा। तैयारी हमें इस तरह से करनी है। अभी आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बारे में अभी देखेंगे कि इसमें पहले बताया जा रहा था कि 5,000 पद होंगे, 7,000 होंगे, 8,000 होंगे, और बाद में जब वैकेंसी आई तो अभी 3500 पदों के लिए पता चल रहा है, और अभी ये 3500 भी फाइनल नहीं है। जब फाइनल आएंगे, जब गवर्नमेंट इसके ऊपर मोहर लगाएगी, अप्रूव इसको करेगी, तब पता चलेगा कि इसमें कितने पद होंगे। वैसे ही सेम आरएसी के अंदर भी, आरआईएसएफ के अंदर भी, या जेल प्रहरी के अंदर भी, जो पदों की संख्या है वो हमेशा अनिश्चित ही रहती है। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में भी चेंज हो सकता है। नोटिफिकेशन अगर जितने पद का आता है, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले कभी भी पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, ये लाइन हर नोटिफिकेशन में लिखी हुई आती है, और कई बार आपने ऐसा देखा भी होगा। तो ये कंपटीशन एग्जाम है, आपको ज्यादा इस चीज की परवाह नहीं करनी है, कितने भी पदों के आए
तो भी कंपटीशन उतना ही रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बेटा। जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो ही सिर्फ फाइनल सेलेक्ट होते हैं। अगर 50,000 भी निकाल देंगे ना ये वैकेंसी, तो भी तैयारी करवाने करने वालों का ही होगा, क्योंकि लाखों में बच्चे बैठते हैं। तो ये पद लगभग फिर भी अंदाजा अगर हम देखें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए 3500, RISF के अंदर लगभग 2000, RAC बटालियन के अंदर लगभग 1000 के आसपास, और जेल प्रहरी के अंदर भी 1000 पदों के आसपास भर्तियां हो सकती हैं। तो टोटल लगभग 5000 के आसपास ये सारे पद मिला के आपके लिए आ सकते हैं पुलिस के अलावा। इसके बाद ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा बेटा। ये एक आदमी के हाथ में नहीं होती है वैकेंसी निकालना, ये पूरा प्रोसेस चलता है। इसमें डिपार्टमेंटल कई काम करने पड़ते हैं। अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए पुलिस मुख्यालय ने फिजिकल करवाने के लिए सारी चीजें प्लान करके दी है। अब जैसे ही राज्य सरकार की स्वीकृति मिलती है तुरंत ये नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन समय कोई लिमिट नहीं है। 15 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, कितना भी समय लग सकता है। सेम वैसे ही RAC और RISF का भी यही हाल है। ये CET से बाहर है, कराएगा पुलिस डिपार्टमेंट ही, लेकिन इसको कराने के लिए अभी RISF को RAC में शामिल किया जाए नहीं किया जाए, इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा, और उसी वजह से RAC भी डिले होगी RISF के चक्कर में। इसी तरह से जेल प्रहरी में भी सेम टाइम की कोई लिमिट नहीं है। तो आप ये मान के चले कि 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर अंदर इनमें से 1 या 2 वैकेंसी आपको पक्का आई हुई मिलेंगी। फिजिकल या लिखित परीक्षा दोनों में से कौन सी तैयारी करें, ये तो सारी चीजें हो गई। हमें इन वैकेंसीज के बारे में सब चीजें हमने देख ली, लेकिन अब आपको क्या करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए दोस्तों याद रखना, समय मत लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय ये तय कर देगा कि आपको क्या करना है, बेरोजगार रहना है या आपको भी वर्दी पहनना है। और फटाफट दोनों तैयारी साथ शुरू करनी है, आपको फिजिकल भी करना है और लिखित परीक्षा की तैयारी भी करनी है, और दोनों में बेटा बैलेंस करना है। जिसका फिजिकल पहले से अच्छा है उसको रिटर्न और अच्छा करना है, फिजिकल कमजोर है तो उसको रिटर्न के साथ साथ फिजिकल पे बेटा पूरा जोर देना है। जिसका फिजिकल कमजोर है या रिटर्न भी कमजोर है तो उसको दोनों की तैयारी करनी है, क्योंकि ये कंपटीशन है, इसमें कोई सा भी लेवल अगर आपका कमजोर रहा तो आप बाहर हो सकते हैं। आखिर में सेलेक्ट वही होते हैं जो दोनों पास करेंगे, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। कुछ एग्जाम्स में पहले हो रहा है, कुछ में बाद में हो रहा है, तो आपको दोनों ही तरह का मौका मिल रहा है। तो आप दोनों ही तरह की तैयारी करो और दूसरे की देखा देखी नहीं करना है। बहुत से बच्चे हैं जो दूसरों की देखा देखी करते हैं कि वो कर रहा है वैसे ही मैं कर रहा हूं। नहीं बेटा, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो आसान लगता है। आप अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप अपने लिए प्लान करिए कि मेरे लिए दोनों तैयारी कैसे हो सकती है, और उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी का प्लान करना है। फिजिकल के लिए 1 घंटे 2 घंटे का टाइम रखिए, मॉर्निंग में रखिए, इवनिंग में रखिए, और रिटर्न एग्जाम के लिए भी आप प्लान करके रखिए। कोचिंग ज्वाइन करना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, एप्लीकेशन से करना है, यूट्यूब से करना है, सेल्फ स्टडी करना है, वो भी बेटा आपको ही डिसाइड करना है। और हर तरह से रिम डिफेंस अकेडमी आपको मदद करने के लिए तैयार है, चाहे फिजिकल तैयारी, चाहे रिटर्न तैयारी, चाहे ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन। ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट कर सकते हो, या एक अकेडमी का आपको जो नंबर दिख रहा है इस पे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।